मैं सरपंच उप सरपंच पंच पद का पद ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज। जय हो महिला सशक्तिकरण की, जय हो आरक्षण की और जय हो सरकारों की नीतियों की। जरा देख लो जो नज़ारा के जैसी नगर ग्राम पंचायत में पंच सरपंच मिला के कई सदस्य निर्वाचित भए, 10 महिलाएं पंच बनी, इनमें से केवल 3 महिलाएं शपथ ले पाई, बाकी 1 महिला के देवर ने शपथ ली, 1 महिला के पिता ने शपथ ली और 2 महिला पंच के पतियों ने शपथ ली और बाकी महिलाएं अनुपस्थित रहीं। बाकायदा महिलाओं की जगह कोनू के देवर, कोनू के पिता और कोनू के पति को शपथ दिलवा दी ग्राम पंचायत सचिव ने। और जो पूरा नज़ारा है सागर जिला के जैसी नगर ग्राम पंचायत को, जिते महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण के जरिए महिलाओं को आगे ले आके राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के तमाम प्रयास करे गए, लेकिन जब परिणाम आए तो सब कछु टाएं टाएं फिस। काय के शपथ जब महिलाओं के रिश्तेदार ले रहे तो फिर काम को करें जो आप खुद समझो। भारत के संविधान में ऐसा कभी उल्लेख नहीं है कि चुने भाई जनप्रतिनिधि शपथ लें, और ऐसी घोर लापरवाही कई जगह से सामने आ रही। जब जिम्मेदारों से सवाल पूछो सो भी गोल मोल जवाब दे के इति श्रीकर ले। उप सरपंच हमारे नए सरपंच साहब को शासन के गाइडलाइन के अनुसार ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए बिना भेदभाव रहित गांव को चहुमुखी विकास करने के लिए शासन द्वारा जो एजेंडा दिया गया था उसके अनुसार शपथ दिलाएगी। साहू जी कितने पंच हैं अपनी ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत जैसे ने हमें 20 हमारे पंच साहब हैं। कितनी महिला पंच है इसमें? इसमें 10 महिला और 10 पुरुष हैं। कितनी महिलाओं ने यहाँ पर शपथ ली है? शपथ अभी 3 महिलाओं ने ली है, बाकी महिलाएं वो महिलाएं अति आवश्यक कार्य आ जाने कारण उनके प्रतिनिधि पति उपस्थित हुए हैं। ऐसा संविधान में उल्लेख है कि पति शपथ ले सकते हैं इतने गंभीर मामले को लेकर? अपन ने बार बार सूचना दी है, बार बार हमारे सरपंच साहब उप सरपंच साहब ने प्रयास भी किया है आने का, तो वो आने की बोल रहे हैं और नहीं आए अभी तक। कलेक्टर ने क्या आपको आदेशित किया है कि पति पत्नी ना आए तो पति को शपथ दिला? नहीं, ऐसा है नहीं है संविधान में, ऐसा उल्लेख नहीं है। तो फिर शपथ कैसे दिलाई गई? तो इसमें क्या है कि अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं तो प्रथम सम्मेलन था, सबका मान सम्मान रखते हुए अपन ने पहले उसको किसी प्रकार का उसको नियम को शिथिल करते हुए अपन ने एंटी को नहीं, बंद नहीं किया है। आपसे सम्मान से तो उनको यह अधिकार क्षेत्र आपके अंडर में आता है, आप स्वीकारते हैं? पतियों को शपथ दिला सके? नहीं आता मेरे उसे मैं नहीं आता अधिकार में। पंच जो नवनियुक्त पंच सरपंच उप सरपंच है उन्हीं को शपथ दिला सकते हैं, पंच पतियों को शपथ नहीं दिला सकते। फिर कैसे होगा? पंचों को प्रतिनिधि नियुक्त करने का पावर है क्या? नहीं, मैंने प्रयास किया था कि सबसे निवेदन है कि जो हमारे नव निर्वाचित पंच हैं वही हमारी प्रथम सम्मेलन और शपथ में शामिल हो, पर उसके बाद भी नहीं माना गया है। जो महिलाएं नहीं आई हैं शपथ लेने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? उनको मैं वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर जो भी उचित आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। भाई साहब ऐसा भी हो सकता था जैसे महिलाएं नहीं आई तो उनको बाद में भी शपथ दिलाई जा सकती थी? नहीं, अभी हमारे सरपंच साहब उप सरपंच साहब से जो सलाह हुई है कि जो महिलाएं और जो हमारे जो पंच रह गए हैं उनको फिर दोबारा उस शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, उसका सम्मान उनको शपथ दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश में एक नई क्यों जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जिसे शपथ पत्नियों की बजाय पति ले रहे या फिर महिलाओं के देवर पिता ले रहे, और जब बेहद शर्मनाक स्थिति है जी पे कार्रवाई भय चाहिए। सागर से कृष्ण का नगाइच बुंदे पोछार। अपनी खुशियों को बनाएं खास होटल रॉयल पैलेस, जहां पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाएं यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।